भगवान के जन्म का समय आया, तुलसीदास जी ने उस सुंदर वेला का प्रसंग वर्णन करते हुए कहा, नवमी तिथि मधुमास पुनी नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि भगवान के जन्म का समय, मधुमास का महीना है, चैत्र का महीना, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, इसलिए मधुर मौसम के कारण उसको मधुमास कहते हैं, मधुमास का महीना। पावन शुक्ल पक्ष नवमी की पूर्ण तिथि अभिजीत भगवान के जन्म का समय, मध्य दिवस अति शीत न घामा मध्य दिवस शीत मध्य दिवस अति शीत न पावन काल लोक वेशा काल लोक वेशा मध्य दिवस पावन चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि, अभिजीत मुहूर्त ठीक दिन के 12 बजे कौशल्या जी के राजमहल में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज स्वरूप को धारण किए भगवान का प्रागट हो। कौशल्या जी ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु आ गए, लेकिन मैं प्रभु को किस नाम से पुकारूं, क्या कहूं इनको, और तो कुछ समझ में नहीं आया, पर इतना जरूर समझ लिया कि इन्होंने मुझ पर कृपा की है, कृपा करके आए हैं, इसलिए कृपाला कह करके भगवान की स्तुति गानी शुरू कर दी। अद्भुत रूप गाइए प्रेम से, कौशल्या हित कारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा कृपाला दीन दयाला कौशल्या I'm gonna go to the
लागे अनुरागे भयो प्रगट श्री हरि शिशुलीला प्रियशीला ये सुख परम भगवान का प्रागट्य हुआ। चतुर्भुज रूप में कौशल्या के राजमहल में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रभु आ गए। स्तुति किया, प्रणाम किया, प्रभु बहुत आनंद की बात है, मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूं। लेकिन ये कैसा रूप लेकर के आए हो प्रभु? क्या कोई विश्वास मानेगा कि कौशल्या के गर्भ में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आया है? ऐसे कैसे कोई मान लेगा? तो प्रभु प्रमाण चाहिए, मुझे ये रूप नहीं देखना। क्या रूप देखना है? कौशल्या जी ने आदेश किया कि जय शिशु लीला, बाल लीला कर लिया, बाल रूप में आई। भगवान बड़े सीधे साधे, बहुत सरल है। माता जी ने कहा कीजिए शिशु लीला, तो बस एक बार आदेश मिला और होई बालक स्वरूप रूपा। इस बार का ये अवतार इतना सीधा है। कौशल्या ने कहा बाल रूप में आ जाओ, भगवान ने कोई आर्गुमेंट्स नहीं किए, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई प्रश्नोत्तर, कोई कंडीशन नहीं की। सीधे मां ने कहा बाल रूप में आइए, भगवान सीधे सीधे बाल रूप में आकर रोने लगे। आगे देखिएगा, जब दूसरा अवतार होगा, देवकी कहेगी बाल रूप में आओ, तो पहले 10 शर्तें रख देंगे कि मेरी ये शर्त मानोगी तो बाल रूप में आऊंगा। लेकिन ये अवतार इतना सीधा साधा, इतना सरल कि माता जी ने कहा कीजिए शिशु लीला, तो होई बालक स्वरूप रूपा गोद में आ गए, रोने लगे। रुदन की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, एक दासी दौड़ पड़ी, प्रभु का दर्शन किया, भागती भागती महाराज दशरथ के पास पहुंची, सूचना दिया कौशल्या जी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद। दशरथ जी को लगा ये पुत्र नहीं आया,
साक्षात ब्रह्मानंद ही मेरे घर में उतर आया। उस आनंद स्वरूप का दर्शन करने के लिए भाग पड़े महाराज दशरथ। रास्ते में सूचना मिल गई, कैकेयी ने भी स्वरूपानुरूप उसी रूप में एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। दो पुत्रों के जन्म की सूचना को अंदर समाहित नहीं हो रही, लेकर के भाग रहे हैं। तब तक सूचना प्रेषित हुई कि महारानी सुमित्रा ने एक साथ दो दो पुत्रों को जन्म दिया है, चार गुनी प्रशंसा। परमानंद पूरी वन राजा, जब एक पुत्र हुआ तो ब्रह्मानंद, लेकिन अब चार चार पुत्रों के जन्म की सूचना मिल गई तो ब्रह्मानंद बढ़ते बढ़ते परमानंद तक पहुंच गया। अब तो परमानंद हो गया, चार पुत्र आ गए। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए, बजाओ बाजा। बोले वैसे आनंद नहीं आएगा, चार चार पुत्रों का जन्म हुआ, इतनी शांति से बैठे रहोगे तो क्या आनंद आएगा, थोड़ा बाजा बजना चाहिए, तो बजाइए।